सांसों का महाविज्ञान। सांसों के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। वैसे हमारे ऋषि मुनियों और हठ योगियों ने सांसों पर बहुत चर्चा की है, लेकिन अभी तक हमने सांस के वास्तविक स्रोत को नहीं पहचाना है। क्या आपको पता है कि सांस का वास्तविक स्रोत क्या है? उस स्थान को क्या कहते हैं? हमारी भाषा में उस स्थान के लिए कोई अलग से शब्द नहीं है, लेकिन जापानी भाषा में उस स्थान को तानदेन कहते हैं। तानदेन वह बिंदु है जो हमारी नाभि से 2 इंच नीचे होता है, यानी हमारी इस गहरी श्वास का संबंध उस बिंदु से है जिसे जापानी तानदेन कहते हैं, और हम उसे नाभि से 2 इंच नीचे का स्थान मानते हैं। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक रस चाहता है, आध्यात्म में उतरना चाहता है, अपने मन को शांत करना चाहता है, गहरी श्वास लेना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए वह मुख्य स्थान जिसे जापानी तानदेन कहते हैं बहुत आवश्यक है। व्यक्ति जितनी ही ऊपर से सांस लेता है वह उतना ही तनावग्रस्त होता है, और जितनी गहराई से सांस लेता है उतना ही ज़्यादा विश्राम की अवस्था में होता है। यानी व्यक्ति जो बहुत चिंतित है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी श्वास की गति तीव्र होती है और वह ऊपर से ही सांस लेता है, ना कि नाभि की गहराइयों से। नाभि की गहराइयों से आती जाती श्वास व्यक्ति को स्थिर बना देती है, उसे विश्राम की अवस्था में पहुंचा देती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप गहरी सांसें लीजिए, सांसों को नाभि से 2 इंच नीचे तक लीजिए, उस बिंदु को तानदेन कहा गया है। जब व्यक्ति की श्वास तानदेन से चलती है तो उसके जीवन में बिल्कुल भी तनाव नहीं होता, वह तनाव मुक्त होता है। इसीलिए जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो वह तनाव मुक्त होता है, उसे कोई चिंता परेशानी नहीं है, क्योंकि उसकी जो श्वास चल रही है वह तानदेन से चल रही है, अर्थात हमारे नाभि के 2 इंच नीचे से चल रही है। जब भी आप विश्राम की अवस्था में होंगे तो आप ध्यान देना, आपकी श्वास भी तानदेन से ही चल रही होगी। लेकिन जब आप तनाव से भरे हुए हों, न जाने कितनी ही चिंताएं आपको घेरे हुए हैं, आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, तब आप नोटिस करेंगे कि आपकी श्वास ऊपर से ही लौट जाती है, और ऊपर से ही इस श्वास का लौट जाना इस बात का सूचक है कि आप अपनी मूल स्थिति से दूर हो गए हैं। लेकिन आज के आधुनिक युग में अवस्थाएं बदल चुकी हैं, लोगों के मन में न जाने कितने ही प्रकार के विकार आ गए हैं। लोग यह सोचते हैं कि हम श्वास को पेट तक क्यों लें, क्योंकि हमें लोगों को अपनी छाती को फूला हुआ महसूस कराना गर्वान्वित करता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी श्वासों को छाती में ही भर लें और छाती से ही लौटा दें, जो कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा विकार पैदा करता है। छाती से श्वास का लौट जाना मनुष्य की प्रकृति के लिए घातक है। आप देखेंगे कि एक स्वस्थ बच्चा हमेशा उसकी छाती नीचे होती है, जबकि उसका पेट उभरा हुआ होता है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वह बच्चा विश्राम की अवस्था में है, उस बच्चे की श्वास तानदेन से चल रही है, अर्थात नाभि के 2 इंच नीचे से चल रही है। इसीलिए तो बच्चे में विकास अति तीव्र होता है। लेकिन आधुनिक मानव आज अपनी छाती को फुलाने में ही गर्व महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी प्राणवायु को अपनी एकाग्रता के द्वारा नमनीता की चरण सीमा तक पहुंचा दे तो वह शिशु की तरह कोमल हो जाता है। इसीलिए एक शिशु विश्राम की अवस्था में रहता है, वह अपने तानदेन तक श्वास लेता है। यहाँ नवनीता का अर्थ है तनाव शून्य की अवस्था, वह अवस्था जिसमें आप तनाव मुक्त हैं, और यह वही अवस्था है जब आप तनाव मुक्त होते हैं तब आपकी श्वास अपने आप नाभि तक पहुंच जाती है। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि आखिर कैसे पता चले कि हमारी श्वास नाभि तक पहुंच रही है। इसके लिए आप निश्चिंत होकर कुर्सी पर बैठ जाइए और ध्यानपूर्वक श्वास लीजिए। आपको यह आभास हो जाएगा कि आपकी श्वास नाभि तक चल रही है, लेकिन इसके लिए कई शर्तें हैं, जैसे आपको उस अवस्था में ढीला छोड़ना है। लेकिन हम अपने आप को ढीला छोड़ते ही नहीं हैं। इसका कारण यह है कि हम अपने सीने को फुलाकर दिखाना चाहते हैं कि हमने प्राणवायु को अपने अंदर आने दिया है, और फिर उस श्वास को रोककर अपने सीने को फुलाकर
यह महसूस करते हैं कि हमने श्वास को रोका है और फिर हमारी श्वास उसी सीने से वापस आ जाती है और हम तरह तरह की वीडियोस के नीचे यह कमेंट करते रहते हैं कि हमने श्वास तो गहरी ली थी लेकिन वह श्वास नाभि तक नहीं पहुंच पा रही है, इसे हम नाभि तक कैसे पहुंचाएं। आपकी श्वास गहरी तभी हो सकती है जब आपको अपने शरीर का बोध ना हो, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। हम अपनी नाभि तक श्वास नहीं ले सकते। क्या इसका केवल एक ही कारण है कि हम अपनी छाती को फुलाकर दिखाना चाहते हैं? नहीं, इसके कई कारण हैं और इसके लिए हमें थोड़ा गहरा उतरना होगा। एक बच्चा कब होश में आता है? एक बच्चा तब होश में आता है जब वह अपनी कामेंद्रिय को छूने लगता है, अपने कामेंद्रिय से खेलने लगता है। और यह वह स्थिति है जब माँ बाप बच्चे के इस कृत्य के लिए उसे डांटने और टोकने लगते हैं। तब बच्चा होश में आता है क्योंकि बार बार उसे इस चीज़ के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, और तभी वह यह जान पाता है कि उसके शरीर में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो गलत है, जो अपराध है। उसे अपराध बोध होता है और फिर वह सचेत हो जाता है और उसकी सांसें ऊपर से ही चलने लगती हैं। यदि आप उसके बचपन के समय को और अब जब वह होशपूर्वक जी रहा है तब के समय को कंपेयर करेंगे, तब आप पाएंगे कि उस बच्चे की श्वास अब ऊपरी हो गई है, वह ऊपर से ही चली जाती है, ना कि वह तानदेन यानी नाभि से 2 इंच नीचे तक श्वास ले रहा है। इस स्थिति में बच्चे को अपनी कामेंद्री को छूना अपराध सा महसूस होता है। उसे यह अपराध अपने माँ बाप की आंखों से ही पता चल जाता है, क्योंकि जब भी वह अपनी कामेंद्री को छूने का प्रयास करता है तब उसके माँ बाप उसे डांटते हैं, धिक्कारते हैं। उस स्थिति में उसे यह पता चल जाता है कि यह अपराध है। वैसे इस अपराध का बोध माँ बाप को भी हुआ है और उन्हें भी उनके माँ बाप से यह एक अपराध है यह बोध हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति जो आयु को लंबा करना चाहता है, अपने जीवन में बदलाव करना चाहता है, उसे अपने श्वासों के प्रति सतर्क होना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति जो नाभि तक श्वास लेना चाहता है उसे अपने शरीर के प्रति बेहोश होना होगा, क्योंकि होश की स्थिति में तो आप अपने श्वासों को अपने छाती से ही ऊपर निकाल देते हैं। बेहोशी की अवस्था या सोते वक्त ही व्यक्ति तानदेन तक श्वास लेता है, और तानदेन तक श्वास का जाना व्यक्ति के कामेंद्रिय को अकड़ा देता है, उसमें अकड़ पैदा कर देता है। बहुत से विद्वानों के इस पर भिन्न भिन्न विचार थे। यदि आपके घर में छोटा बच्चा है तो शायद आपने यह एक्सपीरियंस किया होगा कि जब बच्चा गहरी नींद में होता है तब उसकी कामेंद्रिय कड़क हो जाती है, टाइट हो जाती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है कि बच्चा जो श्वास तानदेन तक ले रहा है, तानदेन पर पड़ रही चोट उसके कामेंद्रिय में अकड़ पैदा कर रही है, जिसकी वजह से उसकी कामेंद्रिय टाइट हो जाती है। ऐसा ही सामान्य मनुष्यों के साथ भी होता है। नींद की अवस्था में 12 से 18 बार हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि उसकी कामेंद्रिय अकड़ जाती है। वैसे कामेंद्रिय के इस विकार पर बहुत से विद्वानों के भिन्न भिन्न विचार रहे, लेकिन लाउत्से कहते हैं कि इसका मेन कारण है कि व्यक्ति नींद की अवस्था में गहरी श्वास लेता है, वह अपने तानदेन तक श्वास लेता है। तानदेन पर पड़ रही चोट व्यक्ति की कामेंद्रिय में अकड़न पैदा कर देता है और व्यक्ति कामुक सा महसूस करता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि आपने नींद में गहरे सपने देखे हैं, काम वासनाओं से रिलेटेड सपने देखे हैं, तभी आपकी कामेंद्रिय में यह अकड़न आई है। नहीं, इसका स्वाभाविक कारण है कि आपकी श्वास तानदेन तक चल रही थी और तानदेन से निकट ही आपकी कामेंद्रिय है जिसके अंदर यह अकड़न पैदा हो जाती है। वैसे सांसों का हमारे शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। एक ही वीडियो में सांसों के प्रत्येक प्रभाव को बता पाना असंभव है। इसलिए अगले वीडियो में हम यह जानेंगे कि काम वासना के समय हमारी श्वास पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हम अपनी श्वास पर कंट्रोल करके अपनी काम उत्तेजना के समय को बढ़ा सकते हैं। इस पर अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।